नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इन दिनों राजस्थान में एक जिले के गांव में सभी लोग खौफ में हैं। मौत का ऐसा मंजर जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरफा सरफिरे आशिक ने विवाहिता और दो बच्चों की मां की कुल्हाड़ी से काटकर बेदर्दी से हत्या कर दी। उसने महिला पर कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि पूरी जमीन खून से लाल हो गई। मरने के बाद भी वो उस पर लगातार वार करता रहा और चिल्लाता रहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। इतना ही नहीं, इसके बाद वो शव से लिपट गया। बमुश्किल पुलिस ने उसे शव से दूर कर गिरफ्तार किया। खैर, मामले को अभी हफ्ता भी नहीं बीता कि जिले के आहोर में ही एक और सनकी की वारदात सामने आई है। पर इस बार ये सनकी सबके सामने नहीं आया है, यानी कि अज्ञात है। ये स्कूल के क्लासरूम में चिट्ठी फेंक कर छात्राओं को डरा रहा है। दरअसल रोडला के सरकारी स्कूल में एक अज्ञात सनकी 10वीं क्लास की लड़कियों को परेशान कर रहा है। पिछले एक महीने से क्लासरूम में लेटर मिल रहा है जिसमें टीचर्स के अफेयर और छात्राओं को बदनाम करने की बातें लिखी है। सबसे पहले एक छात्रा के नाम से उसने चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था, तू हमारी कक्षा में आई थी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे खतरा है। वहीं एक दूसरी छात्रा के नाम से लिखा, तुझे भी खतरा है। ऐसे ही दो और छात्राओं को धमकी दी गई है। पहली छात्रा का फिर जिक्र करते हुए लिखा गया, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। इतना ही नहीं, चिट्ठी में स्टाफ को भी धमकी दी गई है और लिखा गया है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको बदनाम व बर्बाद कर दूंगा। इस अज्ञात सनकी की हिम्मत इतनी है कि इसने खुलेआम चुनौती देते हुए लिखा कि आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन हम तो आपकी कक्षा में हैं और हम तीन लड़कियां और दो लड़के मिलकर लेटर लिख रहे हैं। इन सब चिट्ठियों से छात्राओं के मन में खौफ बैठ गया है। खौफ का एक बड़ा कारण सनकी आशिक का महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देने वाला मामला भी है। डर के कारण छात्राएं क्लास में जाने से डरती हैं, स्कूल के खुले मैदान में बैठकर बस रोती रहती हैं। छात्राओं का कहना है कि क्लास में गए तो फिर धमकी भरा लेटर मिलेगा। बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने प्रबंधन को शिकायत की थी, पर शिकायत करने पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा छात्राओं को ही घर जाकर बताने से मना कर दिया गया। वहीं अब पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। लड़कियों ने रोते हुए कहा कि अब उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है कि कहीं कोई पहले जैसे जिस मामला सामने आया था वैसे ही कुल्हाड़ी से काट देने जैसा मामला उनके साथ भी ना हो जाए। अब इस मामले में एक और जहां स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस पर आरोपी को पकड़ने के साथ साथ छात्राओं के मन में इस डर को भगाने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। नमस्कार।